हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं रमन मिश्रा, स्वागत है आपका परीक्षा प्लस चैनल पर। दोस्तों, बात आज आपसे कनिष्ठ सहायक को लेकर। जितने भी अलग अलग अफवाहें उड़ रही, अभी अमर उजाला की एक कटिंग न्यूज आई है, उस कटिंग न्यूज को देखकर तमाम लोग इतना ज्यादा परेशान है। कई फोन कॉल्स, कई कमेंट्स के माध्यम से कई लोगों ने हमसे पूछा है आखिर जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस क्या होगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों ने फॉर्म डाला है, उनके बीच एक उपापोह की स्थिति लगातार बनी हुई है। वो अपनी उत्सुकता को तमाम ग्रुप्स में भी पूछ रहे हैं, कमेंट के माध्यम से ज्यादा कॉल आ रहे हैं कि आखिर सर हम तैयारी करें तो क्या करें, क्या जूनियर असिस्टेंट जैसा कि अमर उजाला की न्यूज में बताया गया उस अनुरूप होगा। कई लोग इस विषय को भी लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। आज मैं उन तमाम विषयों पर आपसे बात करूंगा, उन तमाम बिंदुओं पर बात करने के लिए आपके सामने आया हूं एक बार फिर से, कि आपकी तैयारी की रणनीति किस दिशा में होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। देखिए, जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक 2019 की जो आपकी वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी के लिए जो कुल पदों की संख्या है, कुल पदों की संख्या आपकी 1403 हो चुकी है। हालांकि पहले वैकेंसी कुछ आपकी कम थी, बाद में कुछ विभागों में पदों की संख्या बढ़ने की वजह से उन विभागों की भी वैकेंसी इसमें ऐड कर ली गई है। 1403 कुल पदों की संख्या हो गई है। दूसरी चीज इसमें अगर बात करें तो चूंकि आवेदन आपके पूर्ण रूप से समाप्त हो चुके हैं, यानी अंतिम जो आपकी तिथि थी आवेदन की वो समाप्त हो चुकी है, यानी आपको और फोकस होना। अभी भी आयोग ने कोई पाठ्यक्रम नहीं दिया है, जो अमर उजाला में 130 प्रश्न 65 नंबर के लेकर के लगातार अफवाहें उड़ रही है, उन पर अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको देना चाह रहा हूं। ये जो आपका अभी 2019 में जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म आया है, जिसमें पदों की संख्या 1403 है, इनमें अगर देखें हम कि जो आवेदन हुए हैं, ये 5,36,000 आवेदन कुल हो चुके हैं। 5,36,000 आवेदन, सीटों की संख्या आपकी 1403, लगभग 350 से ऊपर एक पद के लिए उम्मीदवार इस समय है, यानी फाइट बहुत अच्छी आपकी होने वाली है जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए। यह एग्जाम आपका 12th स्टैंडर्ड का था, यानी 12वीं पास था। अभी जो 2019 में इसकी एक परीक्षा कराई है UPSSC ने, वो परीक्षा 2016 में हुई थी, लेकिन किसी कारणवश निरस्त की गई थी। दोबारा उसका पेपर अभी 2019 में करवाया गया। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका पेपर जो होना है, यह 3 नवंबर को होना है। 3 नवंबर आपका 2019 को इसका पेपर है, और अभी आपका अगस्त का महीना चल रहा है। 15 अगस्त तक आयोग के द्वारा इस परीक्षा की रणनीति, ठीक है, परीक्षा का पाठ्यक्रम तय किया जाएगा। 15 जो है आपका अगस्त, इसकी डेट दी है, इसीलिए आपको उन खबरों पर ध्यान नहीं देना है कि उन खबर जो अभी अमर उजाला में चल रहे हैं कि 130 प्रश्न होंगे, 130 प्रश्न जो है 65 अंक के होंगे, उन सारी चीजों को दिमाग में नहीं बनाना है। आपको किन चीजों पर फोकस होना है, उनकी मैं कुछ पॉइंट्स के रूप में आपको बता रहा हूं। अगर आपने उन बारीकियों को उतार लिया अपने में, तो सिलेक्शन आपका 100% तय है, क्योंकि इसमें जो 5,36,000 लोग दिखाई दे रहे हैं, इनमें से सब के सब आपके वो कैंडिडेट नहीं है कि जो आपको टक्कर देंगे। सिलेक्शन आखिर कैसे लें, अभी थोड़ी सी मैं आपसे बात कर लूं कि अभी जो ये पुराना आपकी पुरानी परीक्षा हुई है, जो 2016 में इसने पैटर्न यूज किया था, उसमें कुल 80 प्रश्न अभी तक आते थे। 80 प्रश्न में से 40 प्रश्न जो आपके होते थे, ये प्रश्न हिंदी के होते थे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका आधा नंबर का था, यानी 20 नंबर के ये आपके आते थे, 20 अंकों के। इसमें नकारात्मक अंकों का कोई प्रावधान नहीं था। अब UPSSC में नकारात्मक अंकों का प्रावधान हो गया है। प्रश्नों का स्तर पहले की अपेक्षा बहुत बदल चुका है। 20 प्रश्न इसमें आपके GS सेक्शन यानी सामान्य अध्ययन से होते थे, ये 20 प्रश्न आपके 10 अंकों के होते थे, 30 अंक हो गए। 20 प्रश्न जो अब बाकी बचता था, ये प्रश्न आपके होते थे रीजनिंग सेक्शन के, यानी मेंटल एबिलिटी के। ये रीजनिंग सेक्शन के आपके 20 प्रश्न भी आपके 10 नंबर के होते थे, 10 अंक के, यानी कुल अंक आपके 40 थे, जिसकी आपकी लिखित परीक्षा थी यानी ऑब्जेक्टिव, और प्रश्नों की संख्या 80 होती थी। इसके बाद इंटरमीडिएट के बाद इसमें क्या करता था, आपको हिंदी या इंग्लिश में, अभी भी आप जब परीक्षा क्वालिफाई करेंगे तो क्वालिफाई करने के बाद आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट, और अंग्रेजी में अगर आप टाइपिंग करते हैं तो आपको 30 शब्द प्रति मिनट लिखना आना चाहिए। कई लोग हमसे ये भी सवाल लगातार पूछ रहे हैं कि जो हिंदी है आपकी टाइपिंग है, खासकर टाइपिंग को लोग लेकर कई लोगों ने
कॉल भी की है, तो मैं टाइपिंग विषय पर आपका क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि टाइपिंग अभी भी आपको देनी है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। देखिए टाइपिंग में क्या होगा, कई लोग पूछ रहे हैं कि सर हम कौन सा पॉइंट पर प्रैक्टिस करें। टाइपिंग जो होगी हिंदी में, जो आपसे स्पीड मांग रहा है, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और वही चीज जो आपकी इंग्लिश है, इंग्लिश में आपसे 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग मांग रहा है। ये जो टाइपिंग होती है ये कंप्यूटर पर होती है, टंकड़ पर टाइपिंग नहीं होती है, और जो आपके ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आते हैं उन पर टाइपिंग आपसे करवाया जाता है। यानी आपको सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग देनी होगी, वो सॉफ्टवेयर आपकी गलतियां भी निकाल लेगा और दिए गए समय में वो अपने आप बंद भी हो जाएगा, ठीक है। जितना वो समय देंगे आपको एक पैराग्राफ उसमें मिलेगा, उस पैराग्राफ को देखते हुए आपको टाइप करना होता है। दूसरी चीज, कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि हम किस फॉन्ट में प्रैक्टिस करें, तो उनके लिए ये चीज है, आप चाहे कुर्तिदेव में प्रैक्टिस करते हैं टाइपिंग करते हैं या मंगल फॉन्ट में, आप जैसा वहां बोलेंगे वैसा ओपन करके वो आपको देगा कि आप इस फॉन्ट में अपनी टाइपिंग स्पीड जो है टेस्ट करिए। तो ये चीज हो गई, कंप्यूटर पर होना है, सॉफ्टवेयर पर होता है, वो सॉफ्टवेयर आपका उतने मिनट के लिए ओपन किया जाता है, उसमें जो है उतने ज्यादा शब्द होते हैं, और फिर उस हिसाब से आपकी टाइपिंग स्पीड वहां पर निकाल ली जाती है। जैसे ही उतना टाइम समय जो है समय समाप्त होता है, वो आपकी गलतियां और आपका स्कोर एक तरफ निकाल के रख देता है। अभी अब हम बात कर लेते हैं करंट सिचुएशन की, उसके बाद मैं आपके पढ़ाई से संबंधित बताऊंगा कि किन किन किताबों को आप अगर अपनाएं तो सफलता आप 100% इसमें पा सकते हैं। बहुत सटीक चीजें हैं मेरी, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उन बिंदुओं पर अगर आपने गौर किया तो सफलता दूर नहीं है। जैसे जो अभी अमर उजाला में आपका निकला है कि 65 जो है अंक आएंगे, 65 अंकों की ये परीक्षा होगी और 65 अंक ये 130 प्रश्नों के पूछे जाएंगे, ठीक है। ये अमर उजाला के पेपर में आपका घूम रहा है, बहुत सारे लोग इसको लेकर कंफ्यूज है कि क्या सिलेबस यही है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले भी आपके दे रहे हैं कि आ गया UP SSC जूनियर असिस्टेंट सिलेबस। इसमें उसने क्या बताया कि 65 अंक की परीक्षा 130 प्रश्न, दूसरी चीज वो बता रहा है कि 35 अंक जो हैं, ये 35 अंक आपको आपके पढ़ाई के आधार पर दिए जाएंगे। यानी अगर आप 12वीं पास हैं, 12वीं अगर आप सही से समझिएगा इस चीज को, 12वीं अगर आप पास हैं और 60% से ऊपर आपके मार्क्स हैं इसमें, तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आप स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हैं और स्नातक, दूसरी चीज इसमें 60% अंक हैं आपके और 20 अंक देंगे। अगर आप इंटरमीडिएट की परीक्षा 45% से ऊपर और 59% से कम है, 45 से लेकर के 59% तक है, तो आपके जो ये अंक होते हैं, इन अंकों को आपका जो है इसमें ये खासकर जो अंक हैं आपके ये 15 कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो दो चीजें समझ गए कि 12th में इस हिसाब से होता है। वही चीज स्नातक स्तर की अगर मैं आपसे बात करूं एक बार, तो स्नातक स्तर पर अगर आपके 60% से ज्यादा मार्क्स हैं या 60% है, तो यहां पर जो आपको अंक मिलने वाले हैं इसमें 10 अंक मिलते हैं इसके लिए। और दूसरी चीज, अगर स्नातक में भी आपका जो है, ठीक है, स्नातक में अगर आपके 45 से लेकर के 59 के बीच में अंक हैं, 45% से लेकर 59% के बीच में अंक हैं, तो आपको 8 अंक मिलेंगे। और अगर 45 से लेकर के 33% के बीच में आपके मार्क्स दिए हैं तो अंक आपको सिर्फ 5 मिलेंगे। अब भाई यहां पर बात हो गई 20 अंक ये मैक्सिमम और 10 अंक ये मैक्सिमम, आखिर 5 अंक ये इसके कहां गए? तो इसके जो 5 अंक हैं ये राज्य के आपके जो खिलाड़ी वर्ग है, यानी राज्य के जो अगर आप कोई खिलाड़ी हैं, कुशल खिलाड़ी हैं, तो उसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। तो 35 अंक ये और 65 अंक ये मिला के 100 अंक बनेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, अभी आयोग ने आपका पाठ्यक्रम दिया नहीं है, इसलिए इस चीज को लेकर अभी से विचार मत बनाइएगा कि मेरे जो है उसमें इंटरमीडिएट में कम मार्क्स हैं, मैं बाहर हो गया, मैं क्या तैयारी करूं, ऐसी कोई भी स्थिति नहीं होने वाली है। ये पाठ्यक्रम से हटेगा कहीं ना कहीं, अभी जो आयोग ने स्पष्ट किया है बाकायदा ये हटना है, तय है, इसीलिए भ्रम की स्थिति में मत रहिएगा, भ्रम से आप निकले, अपनी तैयारी पर जोर दें, अभी बहुत समय है। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि आप क्या पढ़ें, किस विषय में पढ़ें। देखिए 12वीं स्तर का पेपर है, 12वीं स्तर के पेपर में आज का UP SSC आपसे सिर्फ हिंदी के सिलेबस में, जाहिर सी बात है इसके नंबर आप क्वेश्चन चाहे जो हो जाए प्रश्नों की संख्या, लेकिन हिंदी का योगदान आपका बहुत रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा हिंदी विषय पर। हिंदी विषय आज UP SSC 12वीं स्तर के जो जितनी परीक्षाएं होती हैं उसमें हिंदी का सिलेबस जो लिखता है, ये आपका लिखता है
हिंदी परिज्ञान एवं लेखन क्षमता, ठीक है, हिंदी परिज्ञान एवं लेखन क्षमता। अब इस चीज को नहीं समझ पाए तब भी आपके लिए दिक्कत है। हिंदी परिज्ञान का मतलब होता है कि हिंदी व्याकरण यानी वर्ण विचार अच्छा जान लो, शब्द विचार बहुत अच्छा जान लो और वाक्य विचार जान लो, ये हिंदी परिज्ञान आपका पूरा कर देगा इसके लिए। दूसरी चीज लेखन क्षमता का मतलब है पत्र लेखन से संबंधित सवाल, तो पत्र लेखन से संबंधित यूपीएससी आपसे बहुत अच्छे सवाल पूछ रहा है। हिंदी कहां से पढ़ें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। आप मेरे हिसाब से सबसे प्रेफर आप करिए वासुदेव नंदन की हिंदी की किताब, ठीक है। उदाहरण वगैरह जो मेरा अनुभव है, अभी प्रीवियस आप पेपर उठा लीजिए यूपीएससी के, वासुदेव नंदन से सीधे सीधे उदाहरण पूछ लिए गए हैं, ठीक है। अगर अन्य कोई किताबें आप चाहते हैं कि मुझे अन्य भी किताबें पढ़नी है तो आप हरदेव बाहरी पढ़ सकते हैं, और तीसरी किताब के तौर पर अगर आप शामिल करना चाहें तो आप पृथ्वीनाथ पांडे की किताब प्रेफर कर सकते हैं। सिर्फ तीन किताबें, सबसे पहले वासुदेव नंदन प्रेफर करिएगा, दूसरी अगर इसको आप पढ़ चुके हैं और दूसरी पढ़नी चाह रहे हैं तो हरदेव बाहरी की किताब पढ़ सकते हैं, और तीसरी किताब अगर आप और अच्छी चाह रहे हैं तो आप पृथ्वीनाथ पांडे की किताब पढ़ सकते हैं, ये भी हिंदी व्याकरण से लेकर के है। तीन किताबें बता दी। उसके बाद अगर जैसे कुछ लोग पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं, और हालांकि इसमें प्रोफेशनल कोर्स वाले बहुत ज्यादा लोग थे, तो प्रोफेशनल कोर्स वाले जैसे उनके लिए हिंदी आपका बहुत एक तरीके से व्याकरण जैसी पूछ रहा है आजकल, बहुत आसान भी नहीं है। इन सारी किताबों के अलावा आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए, मैं आपको जितने लेक्चर हिंदी से संबंधित पढ़ा दूंगा उतने से ही आपके सारे काम बन जाने हैं। इसीलिए हिंदी की सीरीज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं बहुत जल्द। आप हिंदी के उन सारे लेक्चर्स को लगातार देखिए, आपकी हिंदी, मैं इतना तो दावा करता हूं कि अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की तो हिंदी के प्रश्न पत्रों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा काम, हिंदी क्वेश्चन सही करने के लिए 2019 में जितने पेपर हुए हैं उन सारे पेपर्स को ढूंढो, लगा डालो, क्वेश्चन के स्तर को समझो। हालांकि जब आप मेरे चैनल पर मुझसे जुड़ेंगे और आपको जब मैं हिंदी विषय पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको जो भी पॉइंट पढ़ाऊंगा उसमें 2019 में किन किन आपके उनको पूछा है वो सारी चीजें मैं बताता रहूंगा, प्रश्नों को बताता रहूंगा, उसी में पूरे शामिल है। नोट्स भी मैं प्रिंट करवा रहा हूं, अभी टाइपिंग चल रही है, नोट्स भी हिंदी की पूरी मैं दे दूंगा यूपीएससी के हिसाब से। तो इस चीज को लेकर आपको एकदम धैर्य बनाना है कि लेक्चर का आप वेट करिए, लेक्चर आना शुरुआत हो जाएंगे, सारी चीजें कंप्लीट करूंगा मैं, पत्र से लेकर व्याकरण के बारे में जितना कुछ मैंने बताया है। दूसरी चीज रीजनिंग के बारे में, रीजनिंग के हमारे चैनल पर आपके बहुत सारे ऐसे वीडियोज पड़े हैं जो यूपीएससी को फोकस होकर ही सिर्फ बनाए गए हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए हम क्वेश्चन सेशन पूरा करवाएंगे, कॉन्सेप्ट अभी आप देखना चाहें तो सारे के सारे रीजनिंग के यूपीएससी के हिसाब से पड़े हैं, आप वहां चैनल पर जाइए और रीजनिंग के सारे वीडियोस देखें। जूनियर असिस्टेंट के लिए अलग से हम वीडियोस सारे आपको उपलब्ध करवाएंगे। वही चीज उसके बाद अगर हम जीएस का सेक्शन देखें, रीजनिंग के सेक्शन के लिए अगर आप कोई सुझाव मुझसे चाहते हैं कौन सी किताब, किताब के तौर पर चीज आप गार्ड मान लो 2019 में जितने पेपर हुए हैं उन पेपर को के लगा डालो, 100% आपकी रीजनिंग हो जाएगी जितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तीसरी बात जीएस के सेक्शन में, जीएस के सेक्शन में एक चीज अपना एकदम फोकस कर लो कि जीएस का जो आपका सेक्शन होने जा रहा है, जीएस के सेक्शन में यूपी सबसे पहले प्रेफर करना, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे। दूसरा सेक्शन एकदम ये गांठ बांध लो, मतलब मूल मंत्र है करंट 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे, इन दोनों पर अच्छा ध्यान दे। तीसरा आप सब्जेक्ट के रूप में पॉलिटी पढ़ सकते हैं, लूट आप नॉर्मल पढ़ते रहिए, ठीक है। और चौथी चीज हिस्ट्री से क्वेश्चंस कुछ देखते रहिएगा, तो 20 अगर क्वेश्चन इसके आए तो आप 10 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे बहुत आसान से। और दूसरी चीज इसके अलावा लूसेंट की पतली वाली कंप्यूटर की किताब ले लीजिएगा, ठीक है, लूसेंट की हिंदी में पतली वाली किताब आती है उसको उठा के पढ़ लीजिएगा, तो कंप्यूटर के जो आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं मिनिमम 3, ये आप हो जाएंगे। तो मैंने आपको 12-13 क्वेश्चन करने की स्ट्रेटजी बता दी हिंदी से, ठीक है। आप इस चीज को ज्यादा से ज्यादा, आप अभी भी आपके अंदर जो डाउट है कमेंट जरूर करिए, टेलीग्राम हमारा चैनल चल रहा है उससे जरूर जुड़े, उस पर टेस्ट वगैरह क्विज सब कुछ कराई जाती है, आपकी शंका का निवारण होगा। ग्रुप भी है टेलीग्राम पर परीक्षा प्लस ही नाम से, जो लेक्चर है इस लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वो आपका टेलीग्राम का चैनल जुड़ा है। दूसरी चीज आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, और जो लोग आपके साथ ऐसी तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर आप सजेस्ट करें, और ज्यादा से ज्यादा जहां तक हो सकता है आप शेयर जरूर करते रहें, और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया आप देंगे उस हिसाब से हम अपने हौसलों को, हमारा हौसला अफजाई होगा और हम लगातार चैनल पर आपको एक नए जोश के साथ
कुछ ना कुछ अच्छा देंगे जिससे सिलेक्शन आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। धन्यवाद।